अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इस खबर में दावा किया जा रहा है कि इसरो द्वारा बीते दिनों एक रॉकेट लॉन्च किया गया था और इस रॉकेट लॉन्च का एक हिस्सा समुद्र के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के तट पर पहुंच गया है इसके बाद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्राह अंतरिक्ष को यानी कि आउटर स्पेस को कवर करने के लिए जो ट्रीटीज मौजूद हैं जो कन्वेंशन मौजूद हैं उन कन्वेंशंस पर लगातार चर्चा की जा रही है और उन कन्वेंशन को सही ढंग से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आई की इस नई वीडियो में चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की खबर को जानने के बाद हम मुख्य तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरी घटना में हुआ क्या है क्या कोई दुर्घटना हुई है या फिर इस पूरे प्रकरण में हमें क्या देखने को मिला है इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि क्या इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामान्य सी घटनाएं हैं कोई नॉर्मल घटना है या फिर बहुत कोई विशेष घटना हो गई है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे इसके अलावा ये भी जानेंगे कि क्या ये खतरनाक साबित हो सकता है और अगर ये खतरनाक साबित हो सकता है अगर इसकी वजह से कोई नुकसान होता तो उस स्थिति में क्या किया जाता है ऐसी स्थिति में किस तरह के रूल्स किस तरह के नियम लागू होते हैं उन नियमों पर भी बात करेंगे इसके अलावा अंत में एक सवाल पर भी चर्चा करेंगे सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र तीन से जुड़ा हुआ है और आप इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करते हैं तो इस पूरी घटना की शुरुआत होती है तकरीबन इक्कीस जुलाई के आसपास जब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर एक रहस्यमयी वस्तु मिलती है ये जो रहस्यमय वस्तु थी ये मुख्य तौर पर लोहे या स्टील से बनी हुई थी और कुछ इस तरह की दिखाई दे रही थी बहुत बड़ी वस्तु है फोटो में इतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा जितना कि ये असल में है ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था जो कि ऑस्ट्रेलिया के तट पर हमें दिखाई देता है एक बहुत रहस्यमय ऑब्जेक्ट था इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो तमाम एजेंसीज हैं वो इस पूरे ऑब्जेक्ट की जाँच करती हैं और अंत में जाँच के बाद ये पता चलता है कि ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये इसरो इसरो यानी कि भारतीय जो स्पेस एजेंसी है इसरो द्वारा एक रॉकेट लॉन्च किया गया था उस रॉकेट का मलबा है और इसकी पुष्टि कौन करता है इसकी पुष्टि की गई थी ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यानी कि ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की थी कि ये जो रहस्यमय मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मिला था ये ऑब्जेक्ट कोई बाहरी दुनिया से नहीं आया था बल्कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये हमारी ही दुनिया का था दरअसल ये जो ऑब्जेक्ट था ये इसरो के रॉकेट का एक मलबा था और इसरो ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये जो रॉकेट है ये पी एस एल वी यानी कि पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से ये जो रॉकेट है इस रॉकेट का एक हिस्सा है और इस हिस्से को बीते दिनों इसरो ने तकरीबन दो महीने पहले इसरो ने एक नेविगेशन सेटेलाइट लॉन्च की थी कुछ नेविगेशन सेटेलाइट लॉन्च की थी उस लॉन्च के दौरान इस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था और उसी लॉन्च के दौरान इस रॉकेट का एक हिस्सा ऐसा था जो कि पूरी तरह से जल नहीं पाया था और वो हिस्सा एक समुद्र में गिर गया और समुद्र में गिरने के बाद वो समुद्र के रास्ते उस ओशन करंट के जरिए ऑस्ट्रेलिया के तट पर पहुंच गया तो ये इस पूरी घटना की बात हुई अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं हैं क्या ये कोई नई घटना है या फिर ये एक, या एक इस तरह की घटनाएं हमें सामान्य तौर पर देखने को मिलती रहती हैं तो इस पर बात करें तो उपग्रहों यानी कि जो सैटेलाइट हैं या फिर जो अंतरिक्ष निकाय होते हैं जो आर्टिफिशियल स्पेस बॉडीज़ होती हैं उन बॉडीज़ का जो अपशिष्ट है जो मलबा है जो कचरा है वो मलबे उस मलबे की गिरने की जो घटनाएं हैं वो घटना कोई नई नहीं, नहीं है बल्कि जो अधिकांशतः टुकड़े होते हैं जो अधिकांशतः हिस्से होते हैं वो कई बार पृथ्वी पर गिर जाते हैं लेकिन ये हिस्से तुलनात्मक तो रूप से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और ये पृथ्वी पर इस वजह से आ जाते हैं छोटे होने की वजह से ये वायुमंडल के घर्षण से सुरक्षित रह जाते हैं यानी कि जो एक घर्षण लगता है हमारे वायुमंडल का एन्वायरमेंट का उससे बच जाते हैं और उसकी वजह से पृथ्वी पर गिर जाते हैं और इसमें से जो अधिकांश हिस्सा होता है वो महासागरों में गिरता है और मानवीय बस्तियों का यानी कि जहाँ पर ह्यूमन आबादी मौजूद है उस पर इसका अभी तक कोई ख़ास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है हालांकि इससे जुड़ी कुछ बड़ी घटनाएं जरूर हुई हैं कुछ बड़े इवेंट्स जरूर देखने को मिले हैं जिन इवेंट्स के दौरान इस तरह के जो बड़े ऑब्जेक्ट थे वो पृथ्वी पर गिरे थे लेकिन उन बड़े ऑब्जेक्ट से गिरने की वजह से भी अभी तक कोई नुकसान रिकॉर्ड नहीं किया गया अब कौन कौन सी घटनाएं थी उन घटनाओं को भी देख लेते हैं तो जो सबसे रिसेंट घटना है वो मई 2021 में देखने को मिली थी जब चीन ने एक रॉकेट लॉन्च किया था जिस रॉकेट का जो वजन था वो तकरीबन 25 टन के आसपास था और इस रॉकेट का एक जो हिस्सा था वो हिंद महासागर में आकर गिरा था इसके अलावा इससे पहले एक घटना 1979 में भी देखने को मिली थी जब स्काई लैब अंतरिक्ष स्टेशन जो कि आई एस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक पूर्ववर्ती था यानी कि जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित नहीं किया गया था तो उससे पहले ये वाला स्पेस स्टेशन काम करता था तो इस वाले स्पेस स्टेशन को 1979 में डिसमेंटल कर दिया गया था इसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था और इसी स्पेस स्टेशन का एक हिस्सा पृथ्वी पर आकर हिंद महासागर में गिरा था और उसका एक हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक भी पहुंचा था तो ये तो बात हुई कि इस तरह की घटनाएं सामान्य होती हैं या फिर असामान्य होती हैं अब यहां पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इस तरह की घटनाओं की वजह से क्या ये जो घटनाएं हैं वो खतरनाक साबित हो सकती हैं क्या इन घटनाओं की वजह से कोई बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है तो जाहिर तौर पर इन घटनाओं की वजह से हम जानमाल के नुकसान से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इस तरह की घटनाओं की वजह से बिल्कुल भी जानमाल का नुकसान नहीं होगा किसी भी व्यक्ति को क्षति नहीं होगी लेकिन यहाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि यदि इस तरह का कोई टुकड़ा अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी पर गिरता है तो उसकी ज्यादा संभावना ये है कि वो जो टुकड़ा है वो महासागर में आकर गिरेगा क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो अधिकांश हिस्सा है तकरीबन सत्तर प्रतिशत जो हिस्सा है वो महासागर है तो ऐसे में सत्तर प्रतिशत संभावना ये है कि वो किसी महासागर में आकर गिरेगा इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि वो महासागर में आकर गिर रहा है तो उसका कोई नुकसान नहीं है उसके भी अपने बहुत सारे नुकसान हैं जैसे पहला नुकसान ये होगा कि इसकी वजह से महासागर का जो जलीय जीवन है जो एक्वाटिक लाइफ है वो प्रभावित होगी जो मछलियाँ वहाँ पर मौजूद हैं जो मरीन रिसोर्सेज वहाँ पर मौजूद हैं वो उसकी वजह से सबसे पहले प्रभावित होंगे इसके अलावा इसका दूसरा नुकसान ये होगा कि इस तरह की घटना की वजह से हमें जल प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है खासतौर पर जो ओशियन वाला एरिया है उस वाले पूरे एरिया में तो इसके भी अपने नुकसान है लेकिन इसके नुकसान इतने ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं देखे जाते हैं अब दूसरी स्थिति आती है जब ये किसी भूमि पर गिरता है और यदि इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट किसी भूमि पर गिरता है तो इसकी वजह से आबादी पर बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो सकता है यानी कि जो लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके जीवन पर इसकी वजह से बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है आप खुद कल्पना कीजिए कि हमारे जो शहर हैं वो इतने ज्यादा घनत्व वाला पूरा क्षेत्र है तो ऐसे में अगर वहां पर आकर इस तरह का कोई भारी ऑब्जेक्ट गिरेगा तो जाहिर तौर पर किसी न किसी व्यक्ति को नुकसान जरूर होगा किसी ना किसी व्यक्ति के जीवन पर खतरा जरूर पैदा हो सकता है यदि जीवन पर भी खतरा नहीं होता तो संपत्ति को नुकसान जरूर पहुंचेगा हालांकि यहां पर एक बात क्लैरिफाई कर देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी तक इस तरह की घटना की वजह से कोई भी क्षति नहीं पहुंची है और जब भी इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट भूमि पर गिरा है तो वो ऑब्जेक्ट जो था वो केवल निर्जन क्षेत्रों में गिरा है यानी कि ऐसे क्षेत्रों में गिरा है जहां पर कोई भी व्यक्ति निवास नहीं कर रहा था तो ये तो बात हुई कि इस तरह की इस, तरह की इस पूरी घटना की वजह से किस तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं अब यहां पर एक सवाल ये भी उठता है कि यदि इस पूरी घटना की वजह से कोई क्षति होती है कोई नुकसान होता है तो ऐसे मामले में कौन से नियम काम करेंगे तो इस तरह की तमाम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतरिक्ष मलबा है जो स्पेस डिबरी है उसको नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए हैं और इन्हीं नियम और कानूनों में पृथ्वी पर आने वाला जो मलबा है यानी कि वो डिबरी जो कि अंतरिक्ष से होकर पृथ्वी में आती है उस मलबे को नियंत्रित करने के लिए भी नियम शामिल किए गए हैं और इसमें एक कन्वेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लाइबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड स्पेस ऑब्जेक्ट यानी कि किसी स्पेस ऑब्जेक्ट की वजह से किसी अंतरिक्ष वस्तु किसी अंतरिक्ष निकाय की वजह से यदि कोई डैमेज होता है यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी लाइबिलिटी किस पर दी जाएगी उसका उत्तरदायित्व तो किस पर निर्धारित किया जाएगा ये जो पूरा कन्वेंशन है ये इस विषय से जुड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो जो भी तमाम देश हैं जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो कि अंतरिक्ष सैटेलाइट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो सभी देश इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं हस्ताक्षर करता हैं और यहाँ पर यह भी विशेष बात है कि ये जो कन्वेंशन है ये आउटर स्पेस ट्रीटी यानी कि ब्राह्य अंतरिक्ष संधि जिसे जिस पर नाइनटीन में हस्ताक्षर किए गए थे इस संधि का भी हिस्सा है अब ये जो संधि है संधि पर भी बात कर लेते हैं ये संधि मुख्य तौर पर आउटर स्पेस से जुड़े नियमों का एक समूह है यानी कि हमारा जो आउटर स्पेस है हमारी पृथ्वी से बाहर का जो हिस्सा है उस हिस्से को मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से किस तरह है? नियंत्रित किया जाएगा यानी कि अगर वहाँ पर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन होता है तो उस इंटरवेंशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा उस इंटरवेंशन को किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा ये तय करने की जो जिम्मेदारी है वो आउटर स्पेस ट्रीटी को दी गई है अब इसी ट्रीटी का हिस्सा ये कन्वेंशन है इस कन्वेंशन पर भी बात कर लेते हैं तो ये जो कन्वेंशन है मुख्य तौर पर बात करता है कि यदि किसी अंतरिक्ष निकाय की वजह से किसी अंतरिक्ष बॉडी की वजह से स्पेस ऑब्जेक्ट की वजह से किसी दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट को नुकसान पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में लाइबिलिटी किस आधार पर तय की जाएगी यानी कि दायित्व किस आधार पर तय किया जाएगा मुआवजा किस आधार पर तय किया जाएगा वो इस कन्वेंशन के माध्यम से तय होता है तो अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो केवल ऐसे ऑब्जेक्ट की ऐसे ऑब्जेक्ट को होने वाले नुकसान की बात हो रही है जो कि अंतरिक्ष में मौजूद है लेकिन ऐसा नहीं है इस कन्वेंशन के माध्यम से पृथ्वी पर यदि कोई क्षति होती है यानी कि किसी आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट की वजह से पृथ्वी पर मौजूद किसी व्यक्ति को नुकसान होता है किसी संपत्ति को नुकसान होता है तो उस पूरी क्षति को भी उस पूरे नुकसान को भी इस कन्वेंशन के तहत कवर किया जाता है अब यहाँ पर इस कन्वेंशन के प्रावधान क्या है उन प्रावधानों की भी बात कर लेते हैं तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रावधान इस कन्वेंशन के तहत ये है कि इस कन्वेंशन के माध्यम से जो क्षति होती है जो नुकसान होता है उस नुकसान के मुआवजे के लिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि पूर्ण उत्तरदायित्व के प्रावधान की बात की गई है यानी कि जिस भी देश के ऑब्जेक्ट की वजह से जिस भी देश के रॉकेट या सैटेलाइट की वजह से किसी दूसरे देश को नुकसान होता है तो जिस देश का वो ऑब्जेक्ट था जिस देश का वो सेटेलाइट था उस देश का पूर्ण दायित्व तो बनेगा इसके अलावा जिस देश पर मलबा गिरता है यानी जिस देश को नुकसान झेलना पड़ता है वो देश मुआवजे का अधिकारी होता है यानी कि मुआवजे की मांग कर सकता है क्लेम कर सकता है इसके अलावा मौजूदा स्थिति में बात करें तो यदि मौजूदा स्थिति में ऑस्ट्रेलिया को कोई नुकसान हुआ होता मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में किसी बिल्डिंग को नुकसान हुआ होता या किसी व्यक्ति की मौत हो जाती तो ऐसी स्थिति में जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार थी वो भारत सरकार से मुआवजे की मांग कर सकती थी तो ये तो मौजूदा स्थिति की बात हुई अब यहां पर आप एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि क्या इससे पहले कभी इस तरह की कोई घटना आई है जहां पर मुआवजा दिया गया हो तो इससे पहले एक घटना हमें 1978 में देखने को मिली थी जब कनाडा ने सोवियत संघ यानी कि तत्कालीन सोवियत संघ यानी कि मौजूदा रूस से मुआवजे की मांग की थी क्योंकि 1978 में आ, सोवियत संघ का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जो कि अंतरिक्ष से होकर कनाडा के एक निर्जन इलाके में गिरा था अनहैबिटेड एरिया में गिरा था लेकिन कनाडा का कहना था कि उस ऑब्जेक्ट की वजह से अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में नहीं रह सकेगा तो ऐसे में सोवियत संघ की ओर से कैनेडा को तकरीबन तीन मिलियन कैनेडियाई डॉलर दिए गए थे तो ये इस पूरी घटना की बात हुई इस पूरे विषय की बात हुई अबंत में सवाल पर बात कर लेते हैं सवाल जो है वो, वो प्रिलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं आज का हमारा सवाल है कि स्काई लैब अंतरिक्ष स्टेशन किससे जुड़ा हुआ है हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑप्शन बी चीन का नया अंतरिक्ष स्टेशन ऑप्शन सी अमेरिका द्वारा चंद्रमा पर गठित स्पेस स्टेशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो आप कॉमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं मुझे उम्मीद है इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे यदि आप इस वीडियो की पी चाहते हैं तो इसकी पी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते ही हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद